क्वेश्चन नंबर वन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री. इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग. क्वेश्चन में गिवन है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ बिल्डिंग का फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, जो टावर जो उसके फुट से 30 डिग्री है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के टॉप का फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग ये 60 डिग्री, और जो टावर है उसकी हाइट 50 मीटर है, तो हमने हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी है. सो इसका सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस केस हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे. तो मैंने यहाँ पे जो टावर है ये ले लिया एसी, जिसकी हाइट 50 मीटर है, और एक ये बिल्डिंग ले ली जिसकी हाइट मैंने एच मीटर मान ली है, वो हमने फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन में गिवन है कि जो टॉप है टावर का अगर फुट ऑफ बिल्डिंग से देखें तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का एलिवेशन, और जो टावर का फुट है वहाँ से बिल्डिंग के टॉप की तरफ हम देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का बन रहा है. सो इस तरह से हमारे पास ये दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, ए बी सी और सी ए बी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राइंगल लेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल बी डी सी. सो बी डी सी, यहाँ पे हम अब एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लगा देंगे हम टेन 60 डिग्री, और टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आ गया ए सी और बेस हो जाएगा बी डी, और टेन 60 की वैल्यू होती है √3. दिस इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 50 ओवर बी डी. अब थोड़ा इसको हम रीअरेंज करेंगे, दिस इम्प्लाइज बी डी इक्वल टू 50 ओवर √3 मीटर. दिस इज क्वेश्चन नंबर वन. अब हम ट्राइंगल लेंगे ए बी डी. इन ट्राइंगल ए बी डी यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री, सो यहाँ पे परपेंडिकुलर ओवर बेस तो आ जाएगा हमारे पास टेन 30. दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आ गया ए बी, और बेस जो है हमारे पास दिस इज बी डी. थोड़ा इसको भी हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास ये टेन 30, टेन 30 की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर √3, और ए बी की वैल्यू हम भर देते हैं यहाँ पे, ए बी हमने एच माना है मतलब हाइट ऑफ बिल्डिंग, और बी डी जो बी डी है उसकी वैल्यू यहाँ से हम यहाँ पे भर लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 50 ओवर √3. सो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास डिवाइड का डिवाइड है इधर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर √3 इक्वल टू √3 एच ओवर 50. दिस इम्प्लाइज अब एच निकालना है, तो एच इज इक्वल टू अभी ये साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 50 ओवर √3 √3. सो दिस इज इक्वल टू 50 √3 √3 3 आ जाएगा, तो एच इज इक्वल टू 50 ओवर 3, तो 3 से कटिंग कर देंगे, 3 1 3 2 5 20, 6 3 18, 220 पॉइंट लग गया 6 7, तो हाइट आ गई बिल्डिंग की 16.67 मीटर. क्वेश्चन नंबर टू, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. मीन्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, पहले ये हमने एक ले लिया पेडेस्टल, ठीक है, और इसके ऊपर ये एक स्टैच्यू बना हुआ है, दिस इज स्टैच्यू, क्लियर, और स्टैच्यू की हाइट जो है 1.6 मीटर है, और ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, मैंने यहाँ पे पॉइंट मान लिया ये बी,
इस पॉइंट से जब हम जो स्टैचू का टॉप है वहाँ पे देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री, और जो हमारे पास ये पेडेस्टल है इसका जो टॉप है यहाँ पे हम इस सेम पॉइंट से देखते हैं तो एंगल आता है हमारे पास 45 डिग्री। सो इन दिस केस हमने हाइट जो है पेडेस्टल की वो निकाल ली है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको ए मान लो, ठीक है, दिस इज डी पॉइंट हो गया और दिस इज सी। आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ पे आप देख सकते हो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएंगी, ये 90 डिग्री का बन जाएगा, बी सी डी और दूसरी बी सी ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राइंगल लेते हैं बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी। सो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है इस ट्राइंगल में, 45 डिग्री, तो टेन 45 लगाएंगे तो परपेंडिकुलर आ जाएगा डीसी और बेस बीसी। सो यहाँ पे आ जाएगा टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू सी डी ओवर बीसी, और टेन 45 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू सी डी ओवर बीसी। दिस इंप्लाइज सी डी इज इक्वल टू बीसी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सो इस तरह से जो बीसी किसके बराबर हो गया, सी डी के बराबर, ठीक है। अब हम ट्राइंगल ले लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी। तो अब लेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी, तो यहां पे एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो यहां पे भी हम टेन 60 लगाएंगे। सो टेन 60 डिग्री दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बन जाएगा यहां पे हमारे पास ए सी ओवर बेस बी सी। अभी टेन 60 की वैल्यू हमारे पास होती है रूट थ्री, एंड दिस इज इक्वल टू ए सी ओवर बी सी। थोड़ा इसको रीरेंज कर लेते हैं, दिस इंप्लाइज ए सी इज इक्वल टू रूट थ्री बी सी। जो हमारे पास ये ए सी है, ए सी दिस इज इक्वल टू ए डी प्लस सी डी, तो इसकी जगह हम लिख देंगे दिस इंप्लाइज ए डी प्लस डी सी इक्वल टू रूट थ्री बी सी, और ए डी की वैल्यू हमारे पास है 1.6 प्लस डी सी इक्वल टू रूट थ्री बी सी बन जाएगा। अब आप यहां पे देख सकते हैं जो बी सी है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर। तो यहां पे हम भर देंगे, ये बन जाएगा 1.6 प्लस डी सी इक्वल टू रूट थ्री डी सी, ठीक है। बी सी किसके बराबर है, डी सी या सी डी के बराबर। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डी सी को इस साइड लेके चले जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1.6 इज इक्वल टू रूट थ्री डी सी माइनस डी सी। सो दिस इज इक्वल टू, अब इन दोनों में हमारे पास कॉमन है डी सी, उसको बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे रूट थ्री बच जाएगा और यहाँ पे 1 डी सी 1.6। अब थोड़ा इसको और रिवाइज करते हैं, डी सी इक्वल टू 1.6 ओवर, इधर ये मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड बाई हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा रूट थ्री माइनस 1। अब इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, इसके बाद रैशनलाइज मतलब साइन चेंज करके ऊपर रूट थ्री प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई और नीचे भी रूट थ्री प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे a कितना है रूट थ्री, रूट थ्री का स्क्वेयर, और b कितना है 1, तो 1 का स्क्वेयर ओवर 1.6 रूट थ्री प्लस 1। तो अभी यहाँ पे हमारे पास जब सॉल्व करेंगे तो इसके साथ स्क्वेयर के साथ स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो हमारे पास बन जाएगा 1.6 रूट थ्री प्लस 1 ओवर, अभी ये 3 माइनस 1 हो जाएगा तो दिस इज 2, दिस इज इक्वल टू अभी कटिंग हो जाएगी, इसके साथ कटिंग कर दो तो ये 0.8 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.8 रूट थ्री प्लस 1 मीटर। सो ये पेडेस्टल है, इसकी हाइट बनी जाएगी हमारे पास 0.8 रूट थ्री प्लस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री
and the angle of depression of its foot is 45 degree determine the height of the tower. हमारे पास गिवन है कि एक बिल्डिंग जो है वो 7 मीटर हाई है और उसके टॉप से अगर हम देखें एक केबल टावर है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री बनता है और उसी पॉइंट से मतलब टॉप ऑफ बिल्डिंग से अगर हम देखें टावर का जो फुट मतलब वहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना 45 आ रहा है तो हमने डिटरमिन करना है हाइट ऑफ द टावर. तो इस तरह से हमने ये पहले एक बिल्डिंग ले ली. दिस इज द बिल्डिंग जिसकी हाइट 7 मीटर है और ये हमारे पास एक टावर आ गया केबल टावर. ठीक है, इस बिल्डिंग के सामने है, बिल्डिंग के टॉप पे ऊपर हम खड़े हैं तो यहाँ से हम जो टॉप है केबल टावर का वहाँ पे देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है और इसी पॉइंट से मतलब बिल्डिंग के टॉप से हम बेस में देखें मतलब जो ये टावर है इसका बेस यहाँ के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री. ठीक है, अभी यहाँ पे 45 आ गया तो ये भी 45 होगा क्योंकि ये दोनों पैरल होंगे, ये ट्रांसवर्सल होगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 45 तो ये भी 45. ठीक है, अब जो हमारे पास इस तरह से ये इसके पैरल लाइन होगी तो यहाँ पे ये जो पॉइंट टी है हमने लिया हुआ है तो यहाँ पे एस टी इज इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा तो ये भी 7 है तो ये भी 7, ये दोनों 7 हो जाएगी. ठीक है, और टोटल हाइट हमने एच मानी केबल टावर की और जो हमारे पास ये ऊपर जो हाइट बचती है ये आर टी ये हमारे पास किसके बराबर बन जाएगा, टोटल एच है ये 7 है तो एच माइनस 7. अभी देखो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राइंगल ले लेंगे पी क्यू एस, पी क्यू एस ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू एस यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 45 का तो हम लगाएंगे tan 45 डिग्री और tan 45 किसके बराबर होता है दैट इज 1 के बराबर होती है इसकी वैल्यू और ये से होगा पी क्यू परपेंडिकुलर ओवर बेस पी क्यू ओवर क्यू एस और tan 45 की वैल्यू 1 होती है और जो पी क्यू की वैल्यू है वो हमारे पास 7 है ओवर और जो ये क्यू एस है इसको मैंने मान लिया एक्स तो ये हमारे पास आ गया ओवर एक्स. दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 7 मीटर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ अब हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे पी टी आर. ये पी टी है ये क्यू एस के बराबर होगा मतलब एक्स के बराबर एक्स कितना है 7 तो हमारे पास भी ये पी टी कितना आ गया 7 मीटर. अभी जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आ गई राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल पी आर टी ये पी आर टी यहाँ पे एंगल आ रहा है 60 डिग्री तो यहाँ पे हम लगाएंगे tan 60 डिग्री. दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास आर टी है और बेस जो है वो हमारे पास पी टी और tan 60 की वैल्यू होती है रूट टू. दिस इज इक्वल टू आर टी ओवर पी टी. अभी जो हमारे पास आर टी की वैल्यू कितनी है एच माइनस 7 ये भर देंगे तो रूट थ्री इज इक्वल टू एच माइनस 7 ओवर पी टी. पी टी हमारे पास कितना है 7 सो यहाँ पे हम रीरेज करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. दिस इंप्लाइज एच माइनस 7 इज इक्वल टू 7 रूट 3. अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो एच इज इक्वल टू 7 रूट 3 माइनस का प्लस हो जाएगा इस साइड लेके जाओगे तो फिर यहाँ पे बन जाएगा दिस इंप्लाइज एच इज इक्वल टू यहाँ पे 7 कॉमन आ जाएगा तो 7 रूट 3 प्लस 1 मीटर. सो हाइट ऑफ द केबल टावर इज हाइट ऑफ केबल टावर इज 7 रूट 3 प्लस 1 मीटर.